नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को सरकार देगी 3500 रुपए की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपए देने का आदेश दिया है। यह रकम अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार 10 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की है। इन पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंध विभाग को निर्देश दिया है कि इन सभी 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। JSSC ने स्थगित की सहायक आचार्य प्रवेश परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 12 जनवरी से होनी थी। JSSC ने जारी नोटिस में कहा है कि साथ ही उपरोक्त न्यायाधीश के मद्देनजर दिनांक 12 जनवरी 2024 से आयोजित की जाने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है और उपरोक्त परीक्षा अब दिनांक 10 फरवरी को हो सकती है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर प्रकाशित की जाएगी। झारखंड को 2030 में 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का लक्ष्य। हेमंत सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई तैयारी बैठक के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्री बजट संगोष्ठी की अध्यक्षता की है। इसके बाद पत्रकारों से कहा है कि झारखंड में 2030 तक GSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पूर्व कार्यशाला में विभागीय सचिव नाबार्ड अर्थशास्त्री के साथ इस पर चर्चा की है। झारखंड मंत्रालय में 2 दिवसीय बजट पूर्व कार्यशाला के पहले दिन कृषि, सिंचाई, पर्यटन और खनन विभाग में राजस्व बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। इस बार वित्त विभाग 2030 तक का बजट तैयार करने में जुटा है। इसी के मद्देनजर झारखंड के GSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में GSDP 4 लाख करोड़ के आसपास है। धीरेन्द्र शास्त्री सरकार की हनुमंत कथा आयोजन पर बैठक में नहीं बनी सहमति। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री सरकार की हनुमंत कथा कराने के लिए आयोजन समिति की प्रशासन की बैठक बुधवार को हुई। जिले के प्रभारी DC सह उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में जिले के SP रिश्मा रमेशन, सदर SDO अनुराग तिवारी के अलावा अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रभारी उपायुक्त ने कहा है कि आयोजन समिति के पास आयोजन को लेकर अधूरी तैयारी थी। उनसे कई मामलों में जानकारी मांगी गई तो वह प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सलाह दी है कि आयोजन को लेकर हर स्तर पर तैयारी करके अगली बैठक में आए तो उसे उस पर निर्णय लिया जाएगा। पलामू में NH-98 जाम करने के मामले में 13 गिरफ्तार, 150 अज्ञात पर केस। नेशनल हाईवे 98 डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ को घंटों जाम रखने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मंगलवार रात और बुधवार को की गई कार्रवाई के दौरान जहां 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 98 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं 150 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ छतरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 98 बाईपास में उदयगढ़ मोड़ एवं सड़क के समीप वाहन चालकों एवं ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया था। इसी क्रम में सैकड़ों वाहन नेशनल हाईवे पर फंस गए थे। वहीं कई स्थलों पर प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद भी आंदोलनकारी चालकों एवं ग्रामीणों ने सड़क से जाम नहीं हटाया था। झारखंड में दूसरे राज्यों के टेट सीटेट पास अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर। अब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीटेट तथा पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी झारखंड में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। उन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किया जाएगा।
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द लिंक जारी करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा की तिथि भी बढ़ा दी है। रांची के बरियातू मंदिर में चोरी व तोड़फोड़ मामले में 5 गिरफ्तार। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी चौक पर स्थित मंदिर में चोरी व मूर्तियों को खंडित करने के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में सिटी SP राजकुमार मेहता ने बताया है कि 5 टीम इस मामले का खुलासा करने में लगी हुई है। टीम लगातार विभिन्न इलाकों के संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिटी SP ने कहा है कि यह तो तय है कि यह काम कचरा चुनने वालों तथा नशेड़ियों का है। उक्त युवकों से पूछताछ के बाद मामला साफ हो सकेगा। झारखंड में सरकारी विभागों में 287,129 पद खाली। झारखंड के सरकारी विभागों में कर्मियों की भारी कमी है। विभागों में लगभग 3.25 लाख पद खाली है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध करीब 38.44% पद पर ही कर्मचारी कार्यरत है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 4,66,494 है। इसके विरोध में केवल 1,79,365 पदों पर ही कर्मी कार्यरत है। शेष 287,129 पद खाली पड़े हैं। पदों की रिक्तियों का सीधा असर राज्य सरकार के कार्यों पर पड़ता है। बड़ी संख्या में पद खाली रहने की वजह से फाइलों का मूवमेंट धीमा हो जाता है, जिससे विकास कार्यों की गति मंद पड़ जाती है। नियमानुसार विभागों के कुल स्वीकृत पदों का 25% पद पर सीधी नियुक्ति नहीं की जाती, इन पदों को प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। झारखंड के मुख्य सचिव को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का नोटिस। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राज्य के कई अफसरों को नोटिस जारी किया है। इन अफसरों में मुख्य सचिव LK आगते, गृह सचिव अविनाश कुमार, DGP अजय कुमार सिंह, देवघर के DC विशाल सागर व SP अजीत पीटर डुगडुग शामिल हैं। इन्हें 12 जनवरी को दिल्ली में संसद भवन में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 8 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राज्य के इन अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज जाने का प्रस्ताव दिया था। सांसद डॉक्टर दुबे की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के निर्देशानुसार लोकसभा सचिवालय के उप सचिव, बाला गुरुजी के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP सहित देवघर के DC व SP को पत्र भेजकर कहा गया है कि 12 जनवरी को संसद भवन की विशेषाधिकार समिति के कमरा नंबर 2 में शाम 4 बजे मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। नारकोटिक्स जांच के लिए झारखंड पुलिस की दूसरी लैब पर निर्भरता होगी कम। नारकोटिक्स जांच के लिए झारखंड पुलिस की दूसरी लैब पर निर्भरता कम होगी। ड्रग्स को पकड़ने के बाद पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई कर सके, इसलिए झारखंड में नारकोटिक्स लेबोरेटरी की अपग्रेड किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड गृह विभाग की ओर से 37.68 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ नवंबर 2022 को नारकोटिक्स मामले को लेकर झारखंड पुलिस की बैठक हुई थी। इसी बैठक में झारखंड पुलिस ने नारकोटिक्स लैब के लिए रुपए की वापसी का भी आग्रह किया था। JEE रिजल्ट नहीं आया तो धरना देंगे अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JEE परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि 15 जनवरी तक सुधार के साथ आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि रिजल्ट प्रकाशन में लापरवाही और देरी के विरोध में JSSC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी 24 जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि JSSC JEE की परीक्षा 3 बार हो चुकी है। दिसंबर में परिणाम अपेक्षित था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया। वित्त शिक्षण संस्थानों में हड़ताल, पढ़ाई रही ठप। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को राज्य के 1250 वित्त रहित स्कूल, इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों में शैक्षणिक हड़ताल रहा। इसमें राज्य भर के 10,000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे लगभग 4 लाख छात्र छात्राओं का पठन पाठन ठप रहा। शिक्षक कर्मचारी स्कूल और कॉलेज पहुंचे, लेकिन शैक्षणिक कार्य नहीं किया। स्कूल कॉलेज के गेट के सामने अपनी मांगों के लिए नारा लगाते रहे। शिक्षक व कर्मी अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। बता दें, 1 वर्ष से कमेटी के अनुशंसा विभाग में लंबित है। अभ्यास मुकाबले में जर्मनी ने भारत को 4-2 से रौंदा। मोराबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 जनवरी से HIF हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के मैच होना है। रांची पहुंच चुकी सारी टीमें अपनी तैयारी में जुट चुकी है।
खुद को बेहतर बनाने के लिए टीमें जहां अभ्यास कर रही है, वहीं खुद को परखने के लिए टीमें आपस में अभ्यास मैच खेल रही है। मंगलवार को इस कड़ी में दो मैच खेले गए। पहला मैच जापान और यूएसए के बीच 1 बजे से खेला गया। पूरे समय तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल नहीं कर सकी। वहीं दूसरे अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हराया है। बता दें शाम के 5:30 बजे भारत और जर्मनी के बीच दूसरा अभ्यास मैच खेला गया। मैच के शुरू से ही जर्मनी की टीम भारतीय महिला हॉकी टीम पर हावी रही। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, इसलिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। उन्होंने इस मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी भेजा है। उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा। झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक हुई। इसमें 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा हुई है। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री को इस बैठक में बताया गया है कि अब तक राज्य के 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। चाईबासा से 5 किलो का आईडी जब्त। नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईडी बम को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने मुफसिल थाना क्षेत्र के ग्राम हेसा बांध एवं जोजो हाथू के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र से बरामद किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सांगेन अंगरिया, आश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों की ओर से लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पीडीएस डीलरों की हड़ताल समाप्त। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई है। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। राज्य के पीडीएस डीलर 13 माह के लगभग 200 करोड़ रुपए की बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर थे। हेमंत सोरेन को उनके ही विधायक ने दिखाया आईना। 32 सालों तक आंदोलन के बाद झारखंड राज्य मिला। झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। झारखंड बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य में जल, जंगल व जमीन सुरक्षित नहीं है। 24 साल के दौरान रघुवर दास को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही बने, लेकिन वर्तमान में कहीं पर भी संथाली भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही है। आने वाले समय में आदिवासी म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। यह बातें मंगलवार को KKM कॉलेज मैदान में आयोजित सोहराई पर्व के प्रथम दिन बोरियो विधायक स SC ST चेयरमैन लोबिन हेम्ब्रम ने कही है। झारखंड में सूखे से 15 लाख से अधिक किसान प्रभावित। झारखंड सरकार ने 2023 के मानसून में हुए बारिश को देखते हुए राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इसमें 7 जिलों के सभी प्रखंड सूखाग्रस्त पाए गए हैं। बता दें, जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार व पलामू जिले के सभी प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इससे करीब 15 लाख से अधिक किसान प्रभावित हैं। इनको सहायता देने का सरकार ने तय किया है। इसमें कई जिले ऐसे हैं जहां के सभी प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंध प्राधिकार की बैठक में इस पर सहमति जता दी है। बीते मानसून में भी सामान्य से करीब आधी खेती में ही बारिश हो पाई थी। झारखंड में NIA का ताबड़तोड़ एक्शन। झारखंड में टेंडर फंडिंग मामले की जांच कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने माओवादी
के सब जोनल कमांडर व 5 लाख के इनामी नक्सली रहे प्रदीप सिंह उर्फ प्रदीप चेरो उर्फ बोधनाथ सिंह को 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। वह लातेहार जिले के बरियातु जागीर का रहने वाला है। वह 15 लाख के इनामी फरार नक्सली छोटू खरवार दस्ते का सक्रिय सदस्य रहा है। लातेहार पुलिस ने उसे 6 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। एनआईए की रांची शाखा के पदाधिकारी उससे छोटू खरवार की गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। धन्यवाद।